Study Matlab Success Institute of Academy. स्टैंडर्ड फेयर अकाउंट में आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ठीक है, इसके बारे में हम आज कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टनरशिप होता क्या है? तो यहाँ पे मेरा डेफिनेशन लिखी हुई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप यह ऐसे लोगों के बीच का संबंध है जो या तो सभी के द्वारा अथवा उनके द्वारा चुने गए किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए क्या हो, सहमत हो, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला पार्टनरशिप मिला है तो पार्टनरशिप में काम कौन करेगा? पार्टनर करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर क्या है? पार्टनर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द पर्सन हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, ठीक है। जो व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में स्वेच्छा से जुड़ता है या उसे जोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप में काम कौन करेगा? तो पार्टनरशिप में काम कौन करेंगे? पार्टनर करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द पर्सन हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, ठीक है। तो जो व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो एज पर द कंपनी एक्ट 2013 मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 100। इसके सिवा इसको चेंजेस किया गया है 2014 में। तो एज पर द कंपनी एक्ट 2014 मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कैरेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप, ओके। तो नंबर 1 है क्रिएशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है पार्टनरशिप एम्ब्रेस थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप का अस्तित्व कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही आता है। इसके बाद सबसे मेन है कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, नंबर 1 रिटन कॉन्ट्रैक्ट और नंबर 2 ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम कॉन्ट्रैक्ट को अदर लैंग्वेज में एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। इसके सिवा रिटन एग्रीमेंट इज द डिविजिबल एंड द एडवाइजेबल है, ठीक है। और सबसे मेन है ओरल एग्रीमेंट को हम एज अ एविडेंस हम कहीं भी रख सकते हैं, नहीं है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट को एज अ एविडेंस रख सकते हैं और उसका यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारा ऑब्जेक्ट कैरेक्टर है ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अर्न प्रॉफिट एंड द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में इसके हर पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट, ओके। तो पार्टनर को प्रॉफिट हम कैसे देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमारे पास होगा तो हम प्रॉफिट एंड शेयर के रेशियो में पार्टनर को प्रॉफिट देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है तो हम इक्वल रेशियो में देंगे। इक्वल रेशियो मीन्स 1:1:1, जितने पार्टनर होंगे उस हिसाब से हम प्रॉफिट को डिविजिबल करेंगे, ठीक है। इसके बाद है थर्ड कैरेक्टर एजेंट। पार्टनरशिप फर्म में ईच पार्टनर इज एन एजेंट ओवर ईच अदर्स। इसका मतलब के पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। इसके बाद नंबर 4 लायबिलिटीज। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन इज अनलिमिटेड। इट मींस के पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ओके। ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड, ओके। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है? ए रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप है? 2 टाइप है, रिटन एंड ओरल, ठीक है। तो ए रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड, ओके। तो जो हमारा रिटन एग्रीमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है, ठीक है, व्हाई वी शुड वांट टू पार्टनरशिप डीड। तो इसमें क्या आएगा? इन द फ्यूचर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द एनी डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स, ओके। इसका मतलब कि अगर भविष्य में पार्टनर्स के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, झगड़ा होता है, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या चाहिए? पार्टनरशिप डीड चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम पार्टनरशिप में देखते हैं हमारे पास दो तरीके के इंटरेस्ट आते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेकेंड इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। सेम इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, तो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, ठीक है। ये चीज हमको बहुत ध्यान से याद रखनी है, इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ मेंटेन कैपिटल अकाउंट इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की कितनी मेथड है? 2 मेथड। नंबर 1
फ्लक्टिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सो सबसे पहला फ्लक्टिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम ओनली वन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें से फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल, विड्रॉल, इंटरेस्ट, फिर पार्टनर को मिलने वाला बोनस, सैलरी और कमीशन, इसके सिवा पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा वो सब कहां आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद फिक्स कैपिटल मेथड हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा, इसको निकाल दो तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाद हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर वन, वेन इंटरेस्ट ऑन विड्रोल हमको क्या करना हो, फाइंड करना हो, तो इंटरेस्ट ऑन विड्रोल का फॉर्मूला है आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेशन में 100। हेयर पी इक्वल टू हमारा मंथली विड्रोल जो होगा हमको वो लिखना है, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको सब में देकर रखेगा, और एन इक्वल टू टाइम, लेकिन एन के लिए हमको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। अगर विड्रोल मंथ के बिगिनिंग में करता है तो हमको एन बराबर देना है 78 डिवाइडेशन में 12। अगर विड्रोल मंथ के एंडिंग में करता है तो एन बराबर हमको लेना है 66 डिवाइड बाय 12। और क्वार्टर, अगर विड्रोल क्वार्टरली मीन्स तीन तीन मंथ के गैप पे कर रहा है तो एन इक्वल टू हमको लेना है 18 डिवाइडेशन में 12। इसके बाद व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, मतलब के जब हमको सम में ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी हो या ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना हो तब हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल, प्रॉफिट हो तो माइनस, लॉस हो तो प्लस, सम में एक ही चीज देके रखेगा, प्रॉफिट हो तो माइनस करेंगे, लॉस होगा तो प्लस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो नंबर वन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, अगर हमको सम में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देके रखा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट और लॉस रेशियो हमको सम में नहीं दिया तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो लेंगे, इक्वल रेशियो मीन्स 1:1। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कमीशन का, तो कमीशन दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट पार्टनर का कमीशन और सेकंड होता है अदर पर्सन का कमीशन। ओके, तो व्हेन वी वांट टू फाइंड कमीशन ऑफ पार्टनर तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेशन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, मतलब कि अगर हमको 8% कमीशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन में 8 डिवाइडेशन में 100 प्लस 8 मतलब 108 हम क्या करेंगे सम में लिखेंगे। और पार्टनर को छोड़ के किसी भी पर्सन का हमको कमीशन फाइन करना है तो हम डायरेक्टली कैलसी का यूज करके हम क्या करेंगे कमीशन फाइन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कितनी बार जब हम अकाउंट्स लिखते हैं तो एरर उसमें आती है, मींस कैपिटल की एरर आती है, विड्रॉल की एरर आती है, तो उसको हमको सुधार के लिखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहला व्हेन द कैपिटल इज गिवन, मींस के कैपिटल में हमने लिखने में कुछ मिस्टेक करी है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, तो हम एंट्री करने के लिए जब माइनस हमको मिलेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, प्लस होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सेम अगर व्हेन विड्रॉल इज गिवन यानी विड्रॉल की एंट्री में हमने कोई मिस्टेक करी है तो इसका रूल चेंज हो जाएगा, प्लस हो तो डेबिट, माइनस हो तो क्रेडिट, आप जब सम देखेंगे तो आपको ये दोनों टॉपिक डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा।